हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे केएमई स्मार्ट का यूज करके, जिसमें कि कोई भी कोड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग अपने से प्रोजेक्ट बना सकते हैं सिंपल कुछ सेटअप करके। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं DHT सेंसर और IR सेंसर और 4 चैनल रिले, और केएमई स्मार्ट का एक खुद का ऐप होता है जिसको उस ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट बनाना सीखते हैं और कैसे क्या कुछ सेटअप करना होगा सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चल के आप लोगों को सारी चीजें सेटअप करना सिखाता हूं और कैसे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। स्विच वन ऑफ। ओके। स्विच टू ऑफ। ओके। स्विच थ्री ऑफ। ओके। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं केएमई स्मार्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन आया है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी सपोर्टिव हो गया है। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 19, मतलब कि ये लेटेस्ट वर्जन है। इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है विंडोज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको ओपन करता हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे कनेक्ट करना होगा अपने ESP32 को। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपने ESP32 को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। एंड कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉम पोर्ट हमारा 5 है, इसके बाद इसके साथ कनेक्ट कर देना है। एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड को अपलोड करके चेक किया था, उसके बाद यहाँ पे अपलोड फर्मवेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा जो अपलोडिंग था, मतलब जो हमारा फर्मवेयर था, वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। यहाँ पे जो हमारी आईडी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी है। एंड अभी हम इसमें चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपने डिवाइसेस को ऐड करते हैं, कौन कौन सी हम डिवाइसेस को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं रिमोट को यूज़ करने वाला हूँ। रिमोट हमारा जो रिमोट का मतलब ये है कि जो हमारा IR रिमोट सेंसर होता है उसका यूज़ करके हम लोग घर की लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं पिन हमने डिफाइन किया, पिन नंबर हमने डिफाइन किया है, कर देते हैं कोई सा भी आप जो पिन डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पिन नंबर हम 23 डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 3 रिलेज को ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेज आउटपुट 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं आप इसको नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे रिले 1, स्विच 1 हमने कर दिया, एंड स्विच 2 एंड स्विच 3। ओके, तो इतना करने के बाद अभी यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमको एक्टिव लो, मतलब कि जो हमारा IR जो हमारा एक्टिव हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, मतलब जो हमारा IR का मतलब कि आएगा वैल्यू आएगा उसको एक्टिव लो करना है या फिर एक्टिव हाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव हाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो हमारा पहला नंबर का रिले है, मतलब उसको हम 4 नंबर पे यहाँ पे दे देते हैं आउटपुट 4, 4। तो उसके बाद यहाँ पे एक्टिव लो, मतलब कि जो हमारा रिले रहेगा उसको लो रखना है फिर हाई रखना है, तो यहाँ पे लो पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनपुट, तो इनपुट में जो हमारा मैनुअल स्विचेस रहेंगी उन सभी स्विचेस को यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं इनपुट में दे देता हूँ 17। पिन नंबर 17 दे दिया, और इसमें पुश बटन आप यूज करना चाहते हैं या फिर स्विच, तो यहाँ पे मैं स्विच बटन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे पिन नंबर 5 हमने इसको डिफाइन कर दिया, एंड एक्टिव लो रिले रहेगा ऑलरेडी, और इसको पिन नंबर 13 पे डिफाइन कर दिया। एंड फिर से स्विच बटन हम यूज करेंगे, एंड सेकेंड वाला
लास्ट वाला हमारा क्या रहेगा, पिन नंबर 15। एंड उसके बाद यहाँ पे स्विच बटन का हम यूज करने वाले हैं। एक चीज आप लोगों को, अब एक चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव हाई हमेशा रहेगा, यहाँ पे एक्टिव हाई पे क्लिक रखिए रहेगा, तभी जाके मतलब कि हमारी चीजें अच्छे से काम करेंगी। एंड यहाँ पे एक्टिव हो गया, इसको भी हाई कर, तो यहाँ पे सारे जितने भी हैं सभी को हाई हाई कर दीजिए। एंड अभी हम इसमें एक चीज और, एक सेंसर और यूज करने वाले हैं, DHT सेंसर, जिसमें हमको रियल टाइम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे DHT सेंसर का यूज करूंगा, यहाँ पे DHT सेंसर, तो यहाँ पे हमारे DHT सेंसर को ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद जो भी पिन नंबर आउटपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पिन आउटपुट दे देते हैं, हमने ऑलरेडी डिमांड कर दिया है, फिर 22 को कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो हम DHT टाइप कौन सा है, मतलब कि जो हमारा DHT 11 होता है, DHT 22 होता है, एंड DHT 21 होता है, तो ये कई टाइप के DHT सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे पास DHT 11 है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको ऐसे कर, एज इट इज ऐसे कर दूंगा। और अभी यहाँ पे हम इस कोड को अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा हमने सेटअप किया, इसको अपलोड कर दें। और एक चीज और लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमारे लोकल में सर्वर में जो लोकल फाइल बना के एक सेव कर देगा, इसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी चलिए हम इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अपने फोन के साथ, कि हमको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, सारी चीजें करते हैं। तो अपने फ़ोन में सेटअप करने के लिए यहाँ पे बूट बटन है, इस बूट बटन को प्रेस किए रहना है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे बूटिंग मोड में चला जाएगा। यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड डिवाइस, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा, हमारे वाईफाई, SSID और पासवर्ड, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा ये बूटिंग मोड में है, तो हमारे पास सिंगल डिवाइस है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से भी यहाँ पे कनेक्ट करके देखा था, तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है, एंड रिमूव एंड न्यू डिवाइस, एंड इसका नाम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ होम ऑटोमेशन ही रहने देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा जो वाईफाई के साथ ये कनेक्टेड हो गया है ऑलरेडी, और अभी यहाँ पे सेंसर्स का डाटा भी यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो कर रहा है, क्योंकि लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो सेंसर्स वगैरह हमने वही कुछ नहीं यहाँ पे अटैच किया, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह कुछ नहीं अटैच किया, और यहाँ पे हमने केवल अटैच किया है जो हमारा IR रिमोट सेंसर होता है उसका यूज़ किया। तो अभी हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं IR रिमोट का यूज़ करके, तो इसके लिए यहाँ पे हमको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एंड रिमोट पे क्लिक करना है। एंड रिमोट पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी बटन को यहाँ पे चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इस वाली बटन से इसको ऑन करने यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या टास्क आप करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बटन से यहाँ पे स्विच वन को ऑन हो जाए, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, और फिर से मुझे जैसे मैं इससे ऑन कर दिया, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि फिर से प्लस के आइकन क्लिक करूँ, और यहाँ पे इस बटन से मैं चाहूँ तो ये हमारा जो ये हमारा स्विच वन रहेगा उसको ऑफ कर लें, यहाँ पे स्विच वन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑफ पे करके एंड सेव पे क्लिक कर दिया। एंड ये ऐसे ही एज इट इज़ हमको सारे स्विचेस के लिए कर लेना है, जो भी आप बटन सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस बटन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड जैसे ही हमारा सेव हो जाएगा सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अभी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड इसके साथ भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस आप लोगों को शो हो गया, तो ऐसे ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी और मेजरिंग सारी चीज़ें आप लोग डेट वाइज भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, कि हमारा सेंसर्स का डाटा जो हमारा ह्यूमिडिटी है और क्या बोलते हैं टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें किस डेट पे क्या हुआ था, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री में चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और शेड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब ये है कि यहाँ पे हम शेड्यूल कर देंगे कितने मिनट से कितने टाइम तक ही हमारा लाइट ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी, और कौन सी डेट को या फिर कौन से टाइम, मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐड एक्शन पे क्लिक करके जो भी स्विच को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 5 मिनट के लिए स्विच को ऑन कर देता हूँ,
5 मिनट कुछ सेकंड के लिए, यहाँ पर 5 मिनट केवल सेव पे क्लिक कर दें तो हमारी जो इसको ऑन कर दिया शेड्यूल, तो हमारा 5 मिनट के लिए ये हमारा ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं, और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऐसे भी यहाँ पे कनेक्ट करके सारी चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी डेमो में देखा था। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे हम अमेज़न एलेक्सा में भी यूज करना सीखेंगे। तो अमेज़न एलेक्सा में हम लोग कैसे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं अमेज़न एलेक्सा ऐप से, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, स्किल एंड गेम्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे KME सर्च करना है। तो अमेज़न यहाँ पे KME, एंड जैसे यहाँ पे KME पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे KME एलेक्सा करके आ गया। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, एंड जैसे यहाँ पे सेटिंग ये हमने पहले से कनेक्शन करके रखा है तो एक बार डिसेबल कर लेता हूँ, इनेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी अपनी सारी चीज़ें डालनी होगी, तो मैं जस्ट वेट, एंड डालने के बाद पासवर्ड सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही लॉगिन आपका सक्सेसफुली होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे KME स्मार्ट स्किल इज लिंकेड हो गया, एंड लिंक सक्सेसफुली हो गया आपका। और अभी हम इसके अमेज़न एलेक्सा ऐप से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। उसके बाद यहाँ पे सेटअप पे हमारा सक्सेसफुली, एंड स्विचेस सारी हमारी यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड अभी हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने डेमो में देख ही लिया था। Alexa, switch one off. Okay. Switch two off. Okay. Switch three off. Okay. Switch two on. Okay. Switch one on. Okay. Switch three on. दोस्तों उम्मीद करता हूँ हम लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज चाहिए आप लोगों को तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज जरूर लाऊंगा। और आप सभी से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं कि अभी हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।